सवाल नंबर वन, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? आपके ऑप्शन हैं सिखों के, ऑप्शन बी हिंदुओं के, ऑप्शन सी बौद्धों के एंड ऑप्शन डी जैनों के। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्धों का। सवाल नंबर दो, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? आपके ऑप्शन हैं ए पावापुरी, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुंडग्राम एंड ऑप्शन डी कुशीनगर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। सवाल नंबर तीन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? आपके ऑप्शन हैं ए प्राकृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत एंड ऑप्शन डी हिंदी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाली। सवाल नंबर चार, किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी अजातशत्रु। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। सवाल नंबर पाँच, सांची क्यों प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख, ऑप्शन सी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप एंड ऑप्शन डी गुहा चित्रकारी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सवाल नंबर छः, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? आपके ऑप्शन हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार। सवाल नंबर सात, किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी यूनानी एंड ऑप्शन डी पाली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाली। सवाल नंबर आठ, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु एंड ऑप्शन डी कालाशोक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। सवाल नंबर नौ, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी कालाशोक।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध। सवाल नंबर 10, गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए आनंद, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी जामली एंड ऑप्शन डी सुभद्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभद्र। सवाल नंबर 11, मठ मंदिर एवं स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म एंड ऑप्शन डी जैन धर्म। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। सवाल नंबर 12, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 560 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व एंड ऑप्शन डी 483 ईसा पूर्व। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व। सवाल नंबर 13, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र एंड ऑप्शन डी वैशाली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। सवाल नंबर 14, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी वैशाली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गया। सवाल नंबर 15, महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए महाभिनिष्कर्मण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महामस्तकाभिषेक एंड ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्र परिवर्तन। सवाल नंबर 16, जातक किसका ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है ए जैनियों का, ऑप्शन बी सिखों का, ऑप्शन सी बौद्धों का एंड ऑप्शन डी ईसाइयों का। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्धों का। सवाल नंबर 17, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए त्रिशला, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी यशोधरा एंड ऑप्शन डी प्रजापति गौतमी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रजापति गौतमी। सवाल नंबर 18, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है? आपके ऑप्शन हैं ए व्यापारी और पुजारी, ऑप्शन बी योद्धा और व्यवसायी, ऑप्शन सी साहूकार और गुलाम एंड ऑप्शन डी महिला और शूद्र।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र। सवाल नंबर 19, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? आपके ऑप्शन हैं ए सारनाथ, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन डी वैशाली। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वैशाली। सवाल नंबर 20, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? आपके ऑप्शन हैं ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौसाम्बी, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। सवाल नंबर 21, बोधगया कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी झारखंड। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। सवाल नंबर 22, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? आपके ऑप्शन हैं ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कुंडलवन, ऑप्शन सी वैशाली एंड ऑप्शन डी राजगृह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगृह। सवाल नंबर 23, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उज्जैन एंड ऑप्शन डी वैशाली। आप तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। सवाल नंबर 24, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी गया एंड ऑप्शन नंबर डी अजंता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांची। सवाल नंबर 25, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए महाकश्यप, ऑप्शन बी धर्मसेन, ऑप्शन सी अजातशत्रु एंड ऑप्शन डी नागसेन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप। डेली ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग जीके को सब्सक्राइब कर लें।